कि अपने गुरु पुत्र को किसने देखा? बोले कृष्णा ने देखा। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णा। भगवान का नाम है कृष्ण और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कई लोग अपने पुत्रों का नाम रख देते हैं कृष्णा। कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कई लोग महामंत्र का जाप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गलत करते हैं। अब मंत्र है, गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको वैकुंठ मिलेगा तो वैकुंठ में आपका स्वागत ठाकुर जी नहीं, द्रौपदी करेगी। आपने हमारा बड़ा भजन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। होता क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसके पीछे आ की मात्रा मत लगाइए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार माताओं के नाम के पीछे, अधिकतर माताओं के नाम के पीछे या तो इकार होगा या अकार होगा। आप अपनी माताएं बहनों का ही नाम बोलिए, अधिकतर सबके नाम के पीछे या तो आ आएगा या फिर ई आएगा। मतलब शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इकार अकार का प्रयोग किया जाता है। भगवान का नाम कृष्ण है, पीछे अकार लगा दो तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, द्रौपदी का नाम हो जाएगा। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए आज कि भगवान का नाम कृष्ण है और भगवान ने अपनी बहन का नाम कृष्णा रख दिया। क्यों? बोले मेरे अंदर कृपा का गुण है और वही कृपा का गुण मेरी बहन में है, इसलिए इसका नाम कृष्णा है। बताओ, अपने बालकों के हत्यारे को कोई मां छोड़ सकती है? यहां तक देखा है भैया कि स्कूल में जब बच्चा ज्यादा शैतानी करता है तो मां जाकर के टीचर्स को क्या बोल के आती है, मेरा बालक जब भी शैतानी करे आप इसके बगल वाले को पीट देना, इसको मत मारना। अपनी मां अपने पुत्र को चाहे कितना भी पीटे लेकिन दूसरा कोई हाथ लगावे उसको सहन नहीं होता। मां कहती जरूर आने दे, आज तेरे पिताजी को बताऊंगी तूने ऐसा किया, लेकिन पिता को बताती है, पिता ज्यादा गुस्सा करता है तो मां आगे आ जाती है, अच्छा बस हो गया इतना ही करना है इससे ज्यादा नहीं। ऐसी ममता मां की अपने पुत्र के प्रति होती है। इतनी ममत्व होने के बाद भी बालकों का हत्यारा सामने बैठा उसकी भलाई सोच रही है, ये द्रौपदी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब अर्जुन संशय में पड़ गया, मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक द्रौपदी आज्ञा नहीं देगी तब तक मार ही नहीं सकता, द्रौपदी के बालक हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा, भैया आप आज्ञा करो। बोले नहीं, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो इसको, इसने जो भी बात कही सब बिल्कुल ठीक है। नकुल सहदेव की ओर देखा, बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। तभी भीम आ गए, भीम थोड़े से बलवान हैं। अर्जुन ने भीम की ओर देखा, भीम बोले तू छोड़ दे मैं मार दूंगा इसको। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, हम इसको देख लेंगे। सबसे पूछते हुए किसी ने हां कहा किसी ने ना कहा, अंततो गत्वा अर्जुन की दृष्टि पड़ी भगवान कृष्ण पर। इशारे में पूछने लगा आप बताओ क्या करूं। भगवान बोले मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था, तूने मेरी तब मानी नहीं, अब मुझसे क्यों पूछ रहा, चल जा जो तेरा मन करे कर। नहीं ना प्रभु, बताइए ना, चरण पकड़ ली। बोले आप ही तो मेरे सहारा हो, मुझे आज्ञा दीजिए ना मैं क्या करूं। भगवान बोले जो बोलूंगा सो करेगा, तो करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण को और माताएं बहनों को इन कितना भी बड़ा अपराध कर दें इनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में भी पता नहीं शायद माताओं को मृत्यु दंड का अधिकार नहीं, कितना भी बड़ा अपराध कर दें, यदि है तो वो गलत है क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं देते।
ब्राह्मण को और माताओं को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, और कोई मना करे तो मान भी लो बात को। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इस श्लोक के ऊपर लिखा है श्री कृष्ण उवाच, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन आतताई बधारहण, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आप जैसे न्यायाधीश 10-5 हो जाए तो बंटाधार हो जाए सबका। ये कैसा न्याय सुनाया आपने, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए चाहे कैसा भी हो, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं करूं क्या? भगवान बोले अब तेरे को जो मन करे कर, मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था, निर्णय मत लेना। और अर्जुन एक और बात सुन, अब तू बहुत तगड़ा फंसा है। अर्जुन बोला क्यों? तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम बालक के हत्यारे को मारोगे, और क्षत्रिय यदि कोई प्रतिज्ञा करे और उसको पूरा ना करे तो 2000 वर्ष के लिए उसको नरक जाना पड़ता है, तो पहले तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। दूसरी बात, 5 पुत्र द्रौपदी के हैं, जब तक मां की आज्ञा ना हो, जब तक मां हस्ताक्षर करके ना कह दे कि मार दो, तब तक तुम मार नहीं सकते। बड़े भैया की बात तुमको मारनी पड़ेगी। अगर द्रौपदी मान भी जाए तो युधिष्ठिर को मनाओ, और युधिष्ठिर भी मान जाए तो ये नकुल सहदेव की आज्ञा भी तुमको माननी चाहिए, और भीम जो कह रहे हैं वो तो तुमको करना ही चाहिए, और अंत में मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, गुरु भी हूं, मेरी बात तो तुम मानो। अर्जुन बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं क्या करूं। वर्णन आता है अलोक्य आलोक्यम वदनम सख्य। भगवान ने केवल तिरछी नजर करके अर्जुन को देखा और मुस्कुरा गए। जैसे ही ठाकुर जी ने मुस्कुराए हैं, अर्जुन समझ गया मुझे क्या करना है। और अर्जुन ने क्या किया? बोले ब्राह्मण है इसको मैं मार नहीं सकता, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता, तो मैं एक ही काम कर सकता हूं। क्या? मृत्यु से भी बड़ा एक दंड होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज के बीच में अपमान। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा अपराध उसने किया, अब मृत्यु तो दे नहीं सकते उसको, भरे समाज के बीच में उसका अपमान कर दो, वो हर क्षण मरेगा। जब जब घर से निकलेगा, जब जब मोहल्ले में घूमेगा, जब जब किसी सभा में जाएगा, तब तब मरेगा। क्यों? सबके बीच में अपमान हुआ है उसका। अर्जुन ने मन में विचार किया कि ये ब्राह्मण है इसलिए पूजनीय है, गुरुपुत्र है इसलिए पूजनीय है, सब इसको प्रणाम करते हैं, लेकिन बालकों का हत्यारा है इसलिए भरे हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने आधी मूछ आधी दाढ़ी उसकी काट दी, आधे केश काट दिए, और क्योंकि ब्राह्मण है ना तो उसकी शिखा का छेदन कर दिया। और भागवत में वर्णन है कि प्रत्येक ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में। तो अर्जुन ने क्या किया? मणिम जहार मूर्धन्यम, अपने हस्त को उसके माथे में गड़ा करके उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया, और भरे समाज के बीच में अपमान करते हुए अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा की स्थिति यह हो गई है कि महाराज वो जल भी पीने नहीं जा सकता बाहर, एक गुफा में केवल कैद होकर के बैठा है। क्यों? बड़े समाज में अपमान हुआ है। ठाकुर जी ने इस प्रकार अश्वत्थामा को दंड दिलवाया। इस दंड के पश्चात भगवान बोले कि भैया देखो अब तुम्हारा सब सेटलमेंट हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, आप लोग जीत गए, आपको राज्य गद्दी मिल गई, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, अब मुझको आज्ञा दीजिए जाने की, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे हैं, इतने में ही
अश्वत्थामा जहां था वहां से ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसको मारने के लिए? अर्जुन का पुत्र, उसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मर गया था, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों के वंश को यदि नष्ट करना है तो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसको मार दूं, तो इन पांडवों के यहां कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। और ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हुए जैसे ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को केंद्र में लेकर के छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को आते देख उत्तरा दौड़ने लगी। यहां द्वारिकाधीश द्वारिका जा रहे थे, इतने में ही उत्तरा दौड़ती हुई आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे नाथ, मेरी रक्षा करो। दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ती हुई आई उत्तरा। उत्तरा को भगवान ने जैसे ही देखा, उत्तरा ने आकर के कहा, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक ना मरे, नाथ मुझ पर कृपा करो। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र हो गए। उत्तरा की श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन ये दृश्य किसी ने नहीं देखा कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, सिवाय एक के। और वो एक कौन है? पांडवों की माता कुंती। महाभारत में तीन पात्र, मेरे कहने से कभी इनका जीवन चरित्र पढ़िएगा। कौन तीन? तीनों के नाम का प्रारंभ क से होता है, कुंती, कर्ण और कृष्ण। अगर इन तीनों का आपने संपूर्ण जीवन का भाव आपने पढ़ लिया, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुंती सामान्य नहीं है बंधु, भगवान की बुआ है। कुंती की असामान्यता अब आप सुनोगे, क्योंकि अब भागवत की पहली स्तुति आ रही है और श्रीमद् भागवत की पहली स्तुति माता कुंती ने गाई है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। अब भगवान रथ पर बैठ करके जैसे ही द्वारिका जाने लगे, कुंती ने आकर के रथ रोक लिया। भगवान बोले, बुआ जी राम राम। कुंती बोली, ऊपर से राम राम नहीं, नीचे आके करो। भगवान नीचे उतर करके आए, बोले, कहो बुआ क्या आज्ञा? बोले, आज्ञा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ी सी बात करनी है। भगवान बोले, बोलो। बोले, ऐसे नहीं, रथ से नीचे उतरो। भगवान जैसे ही रथ से नीचे उतरे, आज पहली बार कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, भगवान तो बिल्कुल सब भूल गए, ये क्या हो रहा है, अरे उल्टी गंगा कैसे भरी, बुआ प्रणाम कर रही हो? तुरंत उठाया, हृदय से लगाया, बुआ ये क्या कर रही हो? बोले, मैं इसलिए प्रणाम कर रही हूं क्योंकि मैं आज जान गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले, कौन हो मतलब? तब कुंती भगवान की स्तुति गाती है, और ये बड़े ध्यान से सुनने वाली स्तुति है। क्या कहती है कुंती? कि नमस्ये पुरुषं त्वात्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। मैं जानती हूं कि आप भगवान हो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे, बोले, ये कब पता चला आपको कि मैं भगवान हूं? बोले, अभी अभी पता चला। पता तो वैसे श्याम सुंदर हमेशा से था कि आप भगवान हो, लेकिन आज प्रमाणित हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया कि आपने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। भगवान बोले, तो मैं भगवान हूं? बोले, हां आप भगवान। अच्छा बुआ, तो भगवान तो सर्वव्यापी होता, सब जगह रहता है,
मैं सब जगह दिखाई क्यों नहीं देता किसी को? देखो ठाकुर जी अपने ही व्यापकता का प्रश्न अपने भक्त से कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की। भगवान कहते हैं, माँ बुआ मैं भगवान हूं, आप मानती हो? बोले हाँ आप भगवान हो। तो भगवान तो सब जगह रहता है, मैं द्वारिका जा रहा हूं तो आपको घबराना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो सब जगह हूं। और सब जगह हूं तो फिर दिखता क्यों नहीं हूं बताओ? तब कुंती भगवान को उत्तर दे रही है कि आप सब जगह होते हुए भी दिखते क्यों नहीं हो? कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आहा, इतना अच्छा उत्तर दिया है कुंती ने। कुंती कहती है, जैसे कठपुतली नृत्य करती है तो हाथ में धागे बांध करके, उन धागों को गुड्डे गुड़िया में बांध करके, एक व्यक्ति उस धागे को एक लकड़ी के ऊपर से टांग करके गुड्डे गुड़िया को सामने खड़ा कर देता है और अपने और गुड्डे गुड़ियाओं के बीच में एक पर्दा लगा देता है। अब पीछे से उंगलियां उंगलियां ऐसे घुमाता रहता है, गुड्डे गुड़िया नाचते रहते हैं, वही नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सब क्रिया करते हैं। देखने वाले दर्शनार्थियों को लगता है, देखो देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली विवाह कर रही है, कठपुतली दुनिया भर की लीलाएं कर रही है। लेकिन वास्तव में यदि कोई आकर के बीच का पर्दा हटा दे सब पता चल जाएगा। बोले ये नहीं नाच रही है, पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों से इसको नचा रहा है। ठाकुर जी हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पीछे एक पर्दा पड़ा है संसार की माया का। उस माया के पर्दे के पीछे आप बैठे हो। यदि कोई सदगुरु जीवन में आ जाए और उस माया के पर्दे को हटा जाए सब पता चल जाएगा कि आप ही बैठे हो हर जगह। सदगुरु जीवन में नहीं है इसलिए आप दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें लगता हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा सब क्रिया हो रही है। वास्तव